वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। सो वी आर बैक गाइस, तो वेलकमिंग यू ऑल टू 30 दिस 30 ब्लॉगिंग चैलेंज। गाइस देख सकते हैं इधर रात से बारिश हुई है और अभी जो है छूट चुकी है। लाइक रात में मैंने दिखाया भी था कल की जो है बारिश हो रही थी, फिर सुबह में ज़्यादा हो गई है और पूरा ये जो है पानी पानी हो चुका है मौसम और मस्त सा एकदम हवा बह रहा है और लग ही नहीं रहा है कि आज धूप निकलने का कोई भी चांस है। यहाँ देख सकते हैं एक पिजन आ चुका है और सामने पानी लग चुका है गाइस, मतलब बहुत ही ज़्यादा ये शहर में पानी लग जाता है तो मूव करने में भी साइकिल से जो है दिक्कत होने लगता है, लेकिन अच्छा भी लगता है। थोड़ा बारिश होता है तो मौसम नॉर्मल हो जाता है और ज़्यादा गर्मी वर्मी नहीं लगता है तो एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सबसे बड़ा बात है। और लाइक यहाँ देख सकते हैं हमारी मम्मी हमारे लिए नाश्ता बनाते हुए, जो कि है कटहल का सब्जी, बहुत ही अच्छा लगता है। जो कि लाइक इसमें से बीज हटा दो और उसको तोड़ के फिर उसमें से उसको मसाला ऐसे करने में, और उसके बाद इधर देख सकते हैं आलू का भुजिया बन रहा है हमारे यहाँ और ये शायद से दाल है और इसके साथ बनेगी रोटी या चावल जो कि बहुत ही टेस्टी लगेगा क्योंकि कटहल की सब्जी है, तो मज़ा तो आने वाला है गाइस। ठीक है, तो अभी सोच रहा हूँ मैं नहा लेता हूँ, ब्रश कर लिया है मैंने, उठने पहले ब्रश करता हूँ क्योंकि वो मुंह अजीब सा हो जाता है। तो गाइस जाता हूँ, देखता हूँ अपने अगले स्टेप। जो अभी नहा के फ्रेश हो चुका हूँ और खाना वाना तो बाद में रहेगा, आज छुट्टी का दिन है तो मैंने सोचा कि पहले मम्मी से ही खाता हूँ। दिस इज आम चूड़ा, पिछले वीक भी हमने खाया था और ये बहुत ही ज़्यादा मुझे गर्मी के मतलब टाइम में जब आम मिलता है इस टाइम पे तो इसकी क्रेविंग ज़्यादा हो जाती है मेरे लिए, क्योंकि बस एक वाइब है इसके साथ तो मैच हो जाती है जो कि दिल एकदम खुश हो जाता है। टेस्ट में एकदम जबरदस्त और एकदम हल्का टाइप का खाना होता है और आम तो है तो भाई मज़ा ही। अचानक से जो है अभी हम लोग जो है नानी के घर आ चुके हैं क्योंकि हम लोग को जाना था गांव, एंड लाइक गांव जाना था आम के बगीचे में, और देख सकते हैं मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और उसके बाद जस्ट ये इतनी तेज़ बारिश हो रही है। और अब जो है हम लोग थोड़ी देर के बाद निकलेंगे अपने गाँव जाने के लिए और गाँव में पहुँच के आपको दिखाता हूँ और आज बहुत मज़ा आने वाला है। और लाइक अभी जो ये मेरे साथ नहीं जाएगी क्योंकि ये उतना देर वहाँ पे जो है रह नहीं पाएगी अकेले, लाइक उसको देखने के लिए अलग टाइम चाहिए। ठीक है गाइस, तो मैंने इसको छोड़ दिया है पूरी तरीके से और अब मैं जा रहा हूँ गाइस गाड़ी में। मैं गंगा की जैसा दिख रहा है ना, गंगा से बड़ा। इधर हम लोग आ चुके हैं अपने गाँव नानी के गाँव और यहाँ हमारी गाड़ी जो है लग चुकी है, मारुति भी हमारे साथ है और मिकू भी आया हम लोग के साथ, नाना नानी भी हैं और बड़े मामा जी भी हैं। और अब हम लोग इसके बाद जाएंगे बगीचे में और तब तक मैं मिलता हूँ आपसे बगीचे में जाने के बाद, क्योंकि अब जो यहाँ से हम लोग का फुल एंड टूर जो है स्टार्ट होने वाला है। शर्ट पैंट और सैंडल में मैं घूम रहा हूँ क्योंकि शूज़ जो है नहीं पहन जा सकते, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और रास्ते भर देखते हुए आए हम लोग जैसे बाकी लोग के लाइक बाकी लोग के जो बगीचों में आम लगे हुए थे वैसे हम लोग भी जाएंगे आम लेने। अभी देख सकते हैं हम लोग आम के जो है बगीचे में आ चुके हैं, यहाँ मिकू है नौटंकी करते हुए और मारुति आम खाते हुए, मैं भी अभी 4 आम खा चुका हूँ तोड़ तोड़ के, और इसी जो है डंडे से हम लोग आम तोड़ रहे हैं उस टाइम से। और उधर जो है अभी और स्पेशलिस्ट लोग चढ़े हुए हैं उधर पेड़ पे, मतलब जो बंदर जैसा चढ़ के पेड़ पे घुस जाते हैं और वहाँ से तोड़ते हैं। कुछ लोग पेड़ पे चढ़े हैं और ऑलमोस्ट 200-300 के आसपास जो है आम नीचे टूट के आ चुका है और जितने टूट गए हैं उतने अभी और ऊपर हैं पेड़ पे। बाकी देख सकते हैं अभी कितने अमाउंट में जो है नीचे इधर दिख सकते हैं आप लोग को, और अभी इतने पेड़ पे और हैं, कच्चे हैं पक्के हैं जो भी हैं, पक्का तो हम लोग खाते भी जा रहे हैं और जितने भी लोग आसपास में आ रहे हैं सबको एक हाथ देते जा रहे हैं तो सब लोग भी खा रहे हैं। और अभी हम लोग जो है यहाँ पर नाना जी उधर हैं, मम्मी नानी मिकू है, दीदी घर पे अकेले। यहाँ देख सकते हैं गाइस कितने सारे आम हैं, इतने ज़्यादा हैं और यहाँ पे भी अभी इतने हैं और अभी पेड़ पे हैं बहुत ही ज़्यादा वाले, उधर और हो रहे हैं पिक किया जा रहे हैं और यहाँ पे भी इतने सारे लाइक बोरी के बोरी, और वहाँ पे भी देख सकते हैं। और अभी बाकी हैं टोटल ये इतने आम हुए हैं, ये 1 बोरी 2 बोरी 3 बोरी 4 बोरी 5 बोरी 6 बोरी 7 बोरी 8 बोरी और 8 / 2 कर दो तो 4, 4 उधर बोरी है और 8 बोरी ये है। तो लाइक जिन्होंने उधर जो गार्डिंग की थी इतने दिनों से तो उन लोग के वो मतलब पार्ट का उतना उन लोग को दिला गया है, और ये इतने जो है मतलब हम लोग के लैंड के प्रोपोर्शन में हम लोग को 1/3 जो है उन लोग को देके और 2/3 जो है वो हम लोग को मिल जाते हैं। अब ये पूरे पेड़ जो है ऑलमोस्ट फिर खाली हो चुके हैं, ये मेरे छोटे नाना जी का है, ये अभी बहुत सारा बाकी है अभी इसमें तो, और ये वाला पूरा खाली हो चुका है तो इसमें का हम लोगों ने उतार लिया है। और लाइक इस तरह के 13 पेड़ जो है वो लगाए गए हैं मैंगोज़ के, जैसे ये छोटे छोटे भी हैं तो इसमें अभी होते नहीं है, टोटली 6 to 7 पेड़ में जो है वो होता है तो हम लोगों ने इस बार उतार लिया है। 3 इस बार अभी उतरे हैं और 4 पहले उतर के जा चुके थे, यानी एक पेड़ और बहुत कुछ कुछ जो है ऊपर वाले जो टॉल हाइटेड हैं उन लोग को भी उतारा गया था, लेकिन बहुत सारे छूट भी तो जो छूट गए हैं फिर जो यहाँ के रहने वाले हैं जो यहाँ पे रहते हैं या फिर जिन्होंने गार्डिंग की इतने दिनों से वो कुछ हैं जो बचे हैं उनको भी बोल के छूट दिया गया कि आप लोग उतार लीजिए। हम लोग का जो है आम का बोरी के बोरी जो है 8 बोरी जो है वो लोड हो चुका है हमारे स्कॉर्पियो में, और ऑलमोस्ट ये
3 क्विंटल से ज़्यादा का जो है आम ये हुआ हम लोग का, ऑलमोस्ट 3 क्विंटल 20 के जी 25 के जी के आसपास, उससे ज़्यादा ही हुआ है। ये केवल अंदाजा वाला अमाउंट है, इससे ज़्यादा है, सब्जेक्ट टू बी मोर देन इट। मतलब 3.5 क्विंटल जो है आम अप्रॉक्स वो जा रहा है, और ये स्कॉर्पियो के जो है चक्के जो है कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ रहा है, और इंजन इसको जो है वो पिक भी कर लेगा, इसलिए ये स्कॉर्पियो है गाइस। बहुत मस्ती हो रही है, अब चलता हूँ मैं यहाँ से, निकलता हूँ, और जो है हमारे गांव का जो है वो स्कूल है, वहाँ से आगे जाने पे यहाँ पे जो है बरदास सोता बनौरा जो गांव है बहुत ही फेमस है सीख के लिए, लेकिन आज कुछ और का प्लानिंग करके आए थे हम लोग, सीख नहीं खाएंगे किसी और दिन। और देख रहे मेरे पसीने पूरे छूट चुके हैं, पूरा आम जो है हम लोग वहाँ से 8 बोरी जो है आम लेके आए लोग बहुत दूरी से, लाइक ऑलमोस्ट 100 मीटर से वहाँ से खींच के लेके आए हम, और मैं उठा उठा के बीच में एक जगह मामा भी हेल्प किए, और वहाँ से आज पूरे लाल हो चुके हैं। घर आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड डे रह गया, तो अब जो मैं जा रहा हूँ शर्ट वर्ट अपने जो चेंज कर लेता हूँ और फ्रेश हो जाऊँगा, एंड लाइक बहुत ही ज़्यादा पूरा वो बोरी वोरी उठाने के चक्कर में आम के जो है, तो उसके बाद बॉडी भी अभी तो पेन नहीं करेगा, कभी पेन नहीं करेगा वो, तो उतना तो एक्सरसाइज में भी मेरा हो जाता है। ठीक है गाइस, आता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। ज़्यादा तो थकान हो चुका है कि 1 घंटा पढ़ने, 1 घंटा खेलने और 1 घंटा फ़ोन टीवी चलाने के बाद अब मुझे बस नींद ही आ सकता है, और लाइक ये तो बस मुझे ये पेपर देखते ही दिमाग खराब हो जा रहा है। ये वाइट कलर का शीट जो होता है, इतना प्रोजेक्ट बना चुका है मैं ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों के बीच में, तो अब बस जा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा जो नींद लग रहा है, जल्दी सोऊंगा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नींद लग रहा है। संडे है कल, तो फिर आराम से जगूंगा, और आज बहुत अच्छा दिन रहा, आम तोड़ने गए लोग और मस्तियाँ भी की उधर से। तो ठीक है गाइस, मैं जा रहा हूँ सोने, तो इस ब्लॉग में बस इतना, गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। और शाम का मौसम जो है बहुत ही अमेजिंग था, और अभी तो और लाइक कल रात में जैसा था उस टाइप का ही बना हुआ है, तो टिल देन कल सुबह मिलते हैं। Till then, good night, guys.